जय जय कार शुरू में मैं अपना डेमो लेके एक बार गया था किसी कंपनी के पास मेरी आवाज सुनी उन्होंने और जे बोला नो बो, दिस वॉइस वॉइस विल नॉट नॉट वर्क इट्स अ हीरो काइंड ऑफ तो बाद में मुझे लगा यार ये तो बड़ा दुख हुआ आवाज मिली भी भगवान ने दी भी और हीरो टाइप नहीं दी तो ये तो उनका जीरो टाइप हो गया काम तनाधुम तनुम तना ननुम तना धरे ना तनाधुम तनाधु तना धरे तनानुम 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 और उन्होंने दो तीन वेरिएशन इसके लिए जनरली हमारे यंगस्टर्स में बहुत बुद्धिमत्ता है जब भी आप कायदे के म्यूजिक बनाएंगे कायदे की कोई क्रिएटिविटी होगी कायदे की फिल्म बनेगी तो सबसे ज्यादा चाहत जो मिलती है वो हमारे यंगस्टर्स से यूथ से ही मिलती है तो इसलिए ऐ मेरे यूथ हो बस इसी स्पिरिट में रहना गॉड ब्लेस यू सैया स्वैग स्टार हाय गाइस दिस इज योर होस्ट स्वैगस्टाराई दोस्त स्वागत करता हूं आपका स्वैग हूँ जिनसे हम मुलाकात करने वाले हैं वो कोई ऐसे ही सिंगर नहीं है पद्मश्री अवार्डेड है फिल्म फेयर अवार्ड मिला है अनेकों भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और ना जाने कितने अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं उन्हें मुझे नहीं लगता मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है मैं आपको मिलाता हूँ सीधे नाना वन मानन ओली कैलाश के जी से कैलाश के जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो स्वैग स्टार पर थैंक यू और सर मैं जरूर पहला सवाल आप पर यह करना चाहूंगा कि जैसे मेरे को एक स्टोरी याद है अमिताभ बच्चन जी को रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि उनको उनको कहा गया था कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है और हम आपका आप ले लेंगे नहीं <coughs> और आज अमिताभ बच्चन जी सुपर स्टार हैं ऐसी एक स्टोरी आपसे भी जुड़ी है आपकी आवाज़ को लेकर मैं ज़रूर चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को उस सवाल से जरूर बोलूंगा वो स्टोरी ये थी कि शुरू में मैं अपना डेमो लेके एक बार गया था किसी कंपनी के पास तो वहाँ पर मेरी आवाज सुनी उन्होंने और hmm. बोला नो no, you know, hmm. kind of तो hmm. भगवान ने दी भी hmm. और हीरो टाइप, नहीं दी. Hmm. तो ये तो जीरो टाइप हो गया काम <laughs> <laughs> तो फिर बाद में क्या हुआ कि पहला फिल्म का जो हमें गाना मिला hmm. इतफाक से hmm. तो उसमें बहुत लोगों ने जब पूछा कि हीरो कौन है हीरो कौन है तो शर्मा शर्मा के मैं बताता था मैं ही हूँ <laughs> नहीं। ऐसे है। क्योंकि पहला ही गाना हमारा अल्लाह हाँ। के बंदे हम ही पे फिल्माया है हाँ। और एक नई धारा चली हाँ। सिर्फ गानों की नहीं लेकिन गानों को फिल्माने की भी ज्यादातर गाने हम पर फिल्माए जाने लगे गायकों पर फिल्माए जाने लगे और कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स पर फिल्माए जाने लगे जो अपनी कला से सभी लोगों का दिल जीतते थे और वो हीरो पे भारी पड़ते थे थोड़ी देर की भी एंट्री जिनकी होती थी वो उनके ऊपर भी फिल्माए जाने लगे सिर्फ हमारे ही गाने नहीं लेकिन अदर कला हमेशा हीरो पे भारी होती है बस यही बात होती है हीरो कितना भी बना लो आप लेकिन कला कला है 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 तो कला हीरो पे हमेशा भारी पड़ जाएगी अच्छा आपकी आवाज़ बहुत ही हाई वॉइस ठीक ना लोगों ने शायद इसीलिए आपको नॉन कन्वेंशनल सिंगर शुरू में कहा इसके लिए सख्त रियाज करते हो कि बस भगवान की देन है नहीं भगवान की भी देन होती है लेकिन अभ्यास जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है अभ्यास आप मैं बताता हूँ गिरने का भी यदि आप अभ्यास करें तो एक दिन आप फाइट डायरेक्टर बन जाते हैं करत तो करत अभ्यास हाँ, के करत, जड़... करत भड़त अभ्यास सुजान तो वो वाला काम हो गया अच्छा आपने चौदह साल की उम्र में ही घर छोड़ छाड़ के निकल गए थे फैमिली से शायद बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनी चाहिए उस पे भी मैं चाहूंगा कोई हाँ, आपका घर छोड़ने के पीछे बहुत सारे कारण बने उन कारणों में एक कारण ये भी हुआ बाद में माँ ने पूछा लाड़ दिखा के कि तू तो बहुत चाव से मेरे हाथ की बनी हुई गाजर के हलवे और मिठाई खाता है कलाकंद अब तू कैसे खाएगा इतनी अकड़ दिखा रहा है घर छोड़ के जा रहा है मैंने बोला माँ आज के बाद मिठाई भी नहीं खाऊंगा जा अच्छा तो उस दिन से हमने मिठाई भी कभी नहीं खाई चीनी नहीं खाई मिठाई छोड़ दिया तो इस तरह के हम थोड़ा जिद्दी हैं अड़ियल है। जिदी हम थोड़ा अड़ियल हैं क्यों क्योंकि शिव को अनुगामी हैं तो अच्छा फैमिली में भाई भी है बहन भी है मम्मी पापा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किससे से ज्यादा चला जिन्होंने कहा होगी नहीं भाई सिंगिंग में तो जा सकते हो आप नहीं मेरा एक मेरे बड़े भैया हैं वो थोड़ा सपोर्टिव था तब एक घर एक साल बड़ा है और मेरी आठ नौ साल छोटी बहन है वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी क्योंकि छोटी है तो इतना प्यार था हम लोगों का फिर माँ पिताजी दोनों सपोर्ट तो करते थे लेकिन उनको साथ में काफ़ी लोग सजेस्ट करते थे कि इससे तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी ये लड़का आवारा निकलेगा ये मत करो ये मत होने दो तो ये पुरानी बातें हैं उस वक्त उन्होंने समझाया भी बहुत कहीं कहीं ना कहीं लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ ये भी समझते थे हाँ। माँ पिताजी भी कि ये करेगा तो अपने मन की <laughs> 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 तो वो चक्कर हुआ तो थोड़ा थोड़ा वो हमें सपोर्ट भी करते थे लेकिन हृदय से भावनाओं से लेकिन समाज और दुनिया में वो हमेशा यही दिखाते थे, थे पढ़ लिख कुछ नौकरी कर कोई बिजनेस कर ले ये कर वो कर जो परिवारों का होता है वही होता है बिजनेस बिजनेस भी आपने किया ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट का शायद मैंने हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट किया था दो चार साल मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में बहुत सारे जुगाड़ सीख जाता इंसान और मैं भी जुगाड़ का एक्सपर्ट हो चुका हाँ। था तब तक मैंने अपने पॉकेट मनी के बियॉन्ड एक ख्वाब देखा कि कुछ अब मैं सरवाइव करना शुरू करूं तो क्या करूं तो उसके चक्कर में मैंने बहुत ऑड जॉब्स किए उन ऑड जॉब्स में मैंने ट्यूशंस भी किए हैं और फिर बाद में मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस लेता हाँ करेक्ट एक एक, एक क्लास का जी तो। डेढ़ सौ रूपये तब थी हुँ, हुँ. अभी तो मैं देखता हूँ हमारे जो फैकल्टीज है हाँ. वो पांच सौ पांच सौ रूपया हजार, हजार हाँ, रुपया लेते चाँ, हैं एक क्लास का समय बदल गया है लेकिन मेरा वो एक्सपोर्ट का फिर मेरा बिजनेस शुरू हुआ मैं ट्वेंटीज में था ट्वेंटी के करीब हुआ था लेकिन दो तीन साल मेरा चला मैंने कुछ कुछ पैसे कमाने भी शुरू किए एक मैंने प्लॉट का एडवांस भी दे दिया नोएडा में खुशी के मारे कि अब आप अपना घर होगा माँ पिताजी को अपने घर में लेके जाऊंगा लेकिन बाद में वो बिजनेस जो था थोड़ा चौपट हो गया किन्हीं कारणों से और बस वो एडवांस भी वहीं रखा रह गया तो बाकी चीजें जो होती हैं वो दुखी कर देने वाली होती हैं वो होती गई वो जिंदगी की एक यात्रा है यात्रा के कुछ कुछ अपने पड़ाव होते हैं वो पड़ाव आपके अच्छे भी हो सकते हैं और कम अच्छे भी हो सकते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है असली में जब आपके पास दुख आता है तो समझिए परमात्मा आता है ईश्वर आते हैं दुख स्वरूप बनकर ईश्वर ही आते हैं और वो आपको स्ट्रेंथ देकर चले जाते हैं कि तू ये पार कर ले बस ये नई दुख की फिर देख तू बात देख तू तो आज फिर वही कहानी हुई अभी चौदह वर्ष के करियर में मुंबई जाकर ये समझिए कि कम से कम चौदह से तो हमने कॉन्सर्ट कर लिए हैं साहब और 1500 के करीब गाने गा लिए हैं 25 भाषाओं में गा लिए हैं और जितने भी आप अवार्ड्स के नाम ले सकते हो पृथ्वी पर भारत भर में वो, वो सब सब, मैं सब गिन भी नहीं पाए इतने अवार्ड्स थे नहीं हम खुद नहीं गिन पाए <laughs> <laughs> हम खुद नहीं गिन पाते जी इतनी मोमेंटोज और ये सब मिल रही <laughs> हैं कि उसके लिए अब जगह खरीदनी पड़ती है एक्स्ट्रा के यार ये रखने हैं एक फ्लैट ले लो ये चल रहा है आपने दिल्ली से सारी आपकी मतलब उथल पुथल की जो जर्नी वो दिल्ली तक रही फिर आपने एक दिन ठाना कि नहीं भाई आज से मैं बॉम्बे चलता ऐसा किस अच्छा। गंगा किनारे एक आश्रम है, परमार्थ निकेतन वहां पर मैं यज्ञ हवन करने की विधि सीखने लगा वही जो मेरे पिताजी करते थे तो लौट के बुद्धू घर को आए वही काम हमने फिर सीखना शुरू किया लेकिन वो उस अवस्था में सीखना शुरू किया जब आप काम करते हैं व्यापार करते हैं पैसा कमाते हैं समाज में रहते हैं उस आयु में मैं स्टूडेंट बनने गया दोबारा वो भी संस्कृत का तो मेरे जो साथी हैं, वो तेरा चौदह वर्ष के सोलह साल के वो सब हैं। मैं चौबीस का हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑर्ड मैन फील करता नहीं। नहीं। था वहां पे और उस वक्त लेकिन एक अच्छी बात हुई कि मैं गाता था गंगा आरती से पहले गंगा घाट पर तो मेरे गाने से बहुत लोग और वो भी वो लोग जिनसे मैं बड़ा और प्रभावित होता था, वो थे जो हमारे साधु लोग होते हैं जो हिमालय से और सर्दियों के वक़्त थोड़े नीचे उतर आते हैं ऋषिकेश साइड पे तो वो अपने कंबल खोल खोल के दुशाले खोल खोल के नाचते थे तो असली में रियल गांव की वर्लिंग स्वर्लिंग जो देखी हमने वो वहां देखी वर्लिंग दरवेशी अच्छा तो वो हम जब गाते थे नागा साधु भी आते हैं पांच बरस की मीरा लाड़ली हो, 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 हो सखियों में खेलन जाहरी सुन राणा बाई खेल तो पायरी मीरा या कांगना हो, हो, हो जी तो वो लोग नाचते थे और मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास था वो बढ़ता था तब मैंने ये तय किया कि मैं जो लिखता हूँ जो गाता हूँ जो धुन बनाता हूँ कोई है यार जो दिलबाज इंसान धरती पर है जो इस दुनिया के बियॉन्ड जा चुके हैं और वो अगर नाच रहे हैं इसका मतलब ईश्वर नाच रहे हैं और अगर परमात्मा को नचा सकता है तेरा संगीत तो बेटा चाह तेरे लिए कुछ तो बनी है बात इस दुनिया में फिर मैं सीधा मुंबई गया मुंबई में एल्बम बनाने गया था मैं अच्छा। मुंबई में मैं कोई गायक ऐसा बनने नहीं गया कि मुझे कोई ब्रेक दे दे या मेरा कोई गॉड फादर बन जाए

तो वो अपने आप को पहले स्ट्रगलर वर्ड यूज करता है स्ट्रगलर तो वो मैं बताना चाहता हूं कि वो कोई नया वर्ड नहीं है स्ट्रगलर तो जब आप पैदा होते हैं तभी से आप स्ट्रगलर है तो है हाँ। तो अगर इस पृथ्वी पर हमें जीना है तो जीना अपने आप में एक संघर्ष है और कोई भी मनुष्य बिना संघर्ष के मुझे जी के दिखा दे यहाँ तक कि आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी चैन से बैठा हुआ कहीं बीच पे लेटा हुआ दिखाओ कि जी ये अमीर तक उसका है। तो अमीरों का भी संघर्ष है गरीबों का भी संघर्ष है बड़ों का भी संघर्ष है छोटों का भी संघर्ष है कालों का भी गोरों का भी दुनिया के हर मनुष्य हर प्रजाति जो भी जन्मा है उसके जीवन का मतलब ही संघर्ष है तो पहले जब आप मुंबई में एंट्री करते हैं तो वहां क्या होता है जगह कम है अच्छा <laughs> जगह कम की आदतें कम पड़ी हुई हैं <laughs> क्योंकि कम में विश्वास लोगों का है <laughs> जरा कम <laughs> तो लेकिन कम में बड़ा दम है <laughs> तो पहले आपकी ट्रिमिंग कर, करनी शुरू करते हैं ईश्वर <laughs> कि भैया कम में आ जा तू <laughs> <laughs> अब बजट में आप जीना है। सीख ले पहले जीना सीख और वो भी बजट में तो बजट में जीने सिखाने के लिए पहले आपको मुंबई बुलाते हैं ईश्वर भले आप कामयाब हो हो चना हों, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होती है जो ट्रिमिंग होती है वो कमाल होती है देखिए बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो मुंबई जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाते उतने सफल नहीं हो पाते लेकिन जब वो वापस भी आते हैं वो इंसान बन के जरूर आते हैं इतनी ट्रिमिंग उनकी हो चुकी होती है जो वो बिलल पना जो उनका था निकल वो जो फैलू उनका स्वभाव था पता ही नहीं था कि तक जा रहे हैं वो वो मुंबई तो की, है तो की विशेषता है जब नए लोग जाते हैं तो उनको पहले जगह की समस्या थी वही हमें आई थी मैंने लेकिन क्योंकि मैं जुगाड़बाज बन चुका था तगड़ा बतोले बहुत मेरे अच्छे शार्प हो गए थे बातें मेरी ऐसी होती थी कि मैं किसी का भी दिल थोड़ा थोड़ा जीत लेता था और उस वजह से मुझे पीजी में मिल गया पहले ही दिन क्योंकि मैं पहले दिन गया एक आश्रम में क्योंकि हम आश्रम से ही गए थे तो वही रेफरेंस लेके गए थे हमें जगह नहीं मिली तो वहां दिल टूट गया जाते ही दिल्ली वालों का दिल बहुत जल्दी टूटता है <laughs> <laughs> तो ये दिल बहुत बड़ा है ना हाँ, दिल बहुत बड़ा है जी इनके टूटते रहते हैं क्यों नहीं जड़ते रहते हैं तो बस ये हुआ कि दिल टूटना मतलब ईश्वर का पहला समझ लीजिए दर्शन होना तो वो हुआ उन्होंने फिर मुझे उत्साहित किया इस बात को कि भैया अब अपनी राह खुद तलाश अपना कुआ खुद खोद उसमें से पानी पी तो वहां से पीजी में बना और मेरी यात्रा फिर शुरू हुई फिर तो हर दिन की इतनी तगड़ी यात्रा पहली कहानी जिंगल से शुरू हुई थी हाँ जी उसके कुछ है वर्ड्स शासकों में जी उसके भी वो पहला मुझे जिंगल मिला वो भी कैसे मिला से क्योंकि मैं तो जिंगल की तलाश में गया नहीं था ना जिंगल की ना जंगल की मैं तो पहले से जंगल से गया जिंगल की तरफ भगवान ने मोड़ दिया तो मैं अपनी एल्बम्स के लिए कुछ म्यूजिशियंस ढूंढ रहा था मुझे मिल भी गए थे तो उनके साथ जब मेरा चीटी चाल से काम चल रहा था धीमी धीमी गति से तो एक उनका फ्रेंड था उसने मेरी वॉइस सुनी थी और उसने विशाल शेखर को बताई वहां से तो मुझे फिल्म गाना मिला लेकिन ऐसे एक कॉमन फ्रेंड सर्कल में मैं गा रहा था वहां से मुझे जिंगल की एक कॉल आई तो जिंगल में हमको बुलाया स्टूडियो पहुंचे हम और वहां पे जाके हमसे अचानक एक फिल्म चल रही है जिसमें ऐश्वर्या रॉय फिल्म में है और हमें बोला सीधा डबिंग रूम में भेजा नक्षत्र का था वो नक्षत्र हाँ, नक्षत्र डायमंड का एड था उसमें बोला हाँ गाइए तो मैं सोची यार पहली बार बुलाया भाई ने कुछ <laughs> सिखाया भी नहीं बोल रहा गाइए और फिल्म चला दी यस गो हैड अच्छा

अब वेरिएशन करने के बाद समझ लिए तीन मिनट में हमको बोला ओके कम आउट और कोई एक्सप्रेशन नहीं था अच्छा। तो मुझे लगा यार यहाँ पोपट हुआ है शायद <laughs> तो वैसे लेकिन पो, पोपट तो होते आए ही हैं हमें तो बेइज्जती का अब अभ्यास हो गया हो है।, है तो इसलिए कोई बात नहीं तो ये मैं सोच के सोच रहा था कि दरवाजा ये खुलेगा बाहर से बाहर ही निकल जाऊं लेकिन बाहर एक खड़ा था हाँ अंदर बुला रहे मुझे लगा बहुत अच्छे से अब अच्छे से कुछ <laughs> मिलेगी खुराक आ. तो अंदर गए तो अचानक जो चार पांच लोग बैठे हुए थे hmm. एजेंसी के कंट्रोलर रिकॉर्डिस्ट म्यूजिक कंपोजर तो बोलते वाओ मैन व्हाट अ वॉइस मैन गॉड ब्लेस यू मैन वेयर आर यू फ्रॉम व्हाट व्हाट्स योर नेम वेयर आर यू फ्रॉम मैन वेयर वर यू सो फार दिस इंडस्ट्री नीड्स यू वेरी बैडली ये सब बात बोल के तो शुरू में मुझे लगा कहीं पोफट तो नहीं कर रहे कहीं दूर ले जाके <laughs> तो नहीं मारेंगे <laughs> तो लेकिन बाद में जब वो हग वग करने लगे आ, तब समझ आया नहीं यार भगवान शायद घट में बैठ गए हैं अब तो वहां से शुरू हुई हमारी जान ये पूरी जिंदगी और पूरी यात्रा उसके बाद फिर डेब्यू डेब्यू आपका जो बॉलीवुड से हुआ मेरे ख्याल से पहला गाना रब्बा इश्क ना होवे रब्बा इश्क ना होवे थोड़ा-थोड़ा उनमें गाया उसका और भी कुछ बोल हमें बोला हो रबा इश्क ना होवे वे हो रब्बा इश्क ना होवे तो वो उस तरह के क्योंकि फिल्मी स्टाइल के गाने थे तो मुझे समझ भी ना आए मैं अपने अंदाज़ में गा गा के खुश हो रहा हूँ <laughs> तो कसेटों पे और सीडीज़ पे नाम छपने शुरू हो गए हाँ। 2003 के करीब की बात है हाँ। तो उसके बाद अचानक एक दिन एक कॉल आई कि आप कैलाश खे रहे हाँ जी अभी तक नहीं। तो हूँ तो फिर उन्होंने बोला मैं विशाल बोल रहा हूँ बोला विशाल भारद्वाज तो उन्होंने बोला नहीं मैं विशाल शेखर वाला विशाल बोल रहा हूँ मुझे आपसे एक गाना ट्राई कराना है तो इनका ट्रायल में तो मैं पूरा जीवन ही चल रहा है मेरा ले लो भी, <laughs> कर लो भैया ट्राई कोई नहीं तो उन्होंने फिर ये अल्लाह के बंदे हमसे गवाया था जो कि एक डेढ़ साल बाद रिलीज हुआ और उसके बाद तो फिर चरागों में रोशनी ना रही अल्लाह के बंदे तो मैं जरूर आपसे। अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा इसलिए वो लाइन है ना जो हमें बचपन से छू है टूटा टूटा हाँ वो भी टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया ऐसे गजब सर आपकी आवाज़ जब आप गाते हो तो हमें लगता नहीं हमें किसी और म्यूजिक की जरूरत है साथ में आपकी आवाज़ अपने आप में संगीत है मुझे लगता है यही है आज तक कि आप एक लिविंग लेजेंड है हमारे लिए हम लोग आपके गाने इतने पसंद करते हैं दुनिया पसंद करती है a... चांद सिफारिश no. आपने गाना किया था जी दुनिया गाने गा के मर जाती है पूरे पूरे हाँ। उनको अवार्ड नहीं मिलते हाँ। आपको एक लाइन गाने के लिए फिल्म हाँ। एक वर्ड, गाया जी <laughs> एक, वर्ड <गाया laughs> एक, एक शब्द गवाया जी परमात्मा ने वो भी मैं चाहूंगा सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह इसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जी हम... और ये उस गाने की जान थी मतलब हाँ, हम लोग जो सुनते थे इसको बार बार रिप्ले करके इसी लाइन को सुनने के लिए हम लोग सुनते थे जी. अच्छा सोनू निगम जी आपकी बहुत बढ़िया मेमिक्री करते है आपने कभी देखा होगा उनको करते बहुत अच्छी करते हैं तो हाँ। कर तो आपको ऑफेंड तो नहीं होता कि हंसी वो हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय हैं और बहुत हम उनका सम्मान करते हैं तो परिवार के हिस्सा हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़े भाई मस्ती कर रहे हो आप भी किसी की मेमिक्री करते हैं नहीं बिल्कुल नहीं जिंदगी में नहीं मैं तो अपनी कर लू तो वही काम अच्छा ये एक्टर्स का भी सिंगर बनने का एक बड़ा दौर शुरू हो गया हर एक्टर अब सिंगर बनने की तलाश में इस पर क्या आपकी टिप्पणी और एक लिरिस्ट पर भी मैं जरूर हाँ। के लिरिस्ट जो गायक जो है वो एक्टर बन सके ज्यादातर तो कम से कम एक्टर गायक बन जाए यही है और जो भी गायक बनता है वो गाय की सेवा करेगा ये देखना उसको तो इसलिए अगर एक्टर बन रहा है गायक तो अच्छा है भैया तू तो गाय की सेवा कर ले चल अच्छा कैलाश जी आपके जितने भी गाने रिलीज हुए पुराने समय पर भी उनकी एल्बम का एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट होता था जबकि लोग डायरेक्शन में एक्टर्स को यूज करते हैं मॉडल्स को यूज करते हैं आप एक अलग ही डायरेक्शन से बनाते थे ये थॉट कहाँ से निकालते थे कि भाई जी मैं क्या है मैं जमीन से उगा हुआ सेल्फ मेड टाइप की एक जर्नी रही तो मुझे आ, फिल्म मैंने कम देखी शुरू से ही फिल्मी म्यूजिक भी मैंने कम सुना तो उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर कम रहा और फिर मुझे लगता कि हर जिंदगी अपने आप में एक स्टार है हर इंडिविजुअल इस परमात्मा ने हमें जो धरती पे उतारा उनमें कोई कैरेक्टर होता है तो यदि उन पे कैमरा ऐसे चिपक जाए तो उनके अंदर भी कोई बात निकलती है तो मेरी उस वक्त एक मेकअप करने वाली लड़की थी जो मेरे बाल की चुटिया बांधती थी अच्छा। तो मेरे फ्रेंड था ये आनंद सोरापुर जो तेरी दीवानी का वीडियो बना हाँ। रहा था उसने देखा वो मेरी चोटी बना रही थी तो उसने अचानक देखा सर मेरे कान में आके बोलो सर ये लड़की को पूछो ना मैं कैमरा पे ले सकता हूँ क्या इसको इसकी आंखें बहुत कमाल की हैं सर अच्छा ऐसे बोला हाँ हाँ ऑफकोर्स यही तो असली है यही कमाल तो हमें दिखाना है जिंदगी में कि हमारे इर्द गिर्द भी परमात्मा ने बहुत खूबसूरती डाली हुई है और ये क्योंकि खूबसूरती हमारी आंखों में है किसी और में नहीं यदि हमें निगाहे कहर को गुलशन नजर आता है वीराना निगाहे मेहर वीराने में गुलशन देख लेती है तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तो इस तरह से वेरी कॉमन फेसेस जो हैं वो हमारे आ, वीडियोस में हमेशा रहते हैं वही हाईलाइट है हमारे क्योंकि संगीत भी हमारा एकदम प्रकृति से प्रेरित है खराश भी आ रही अच्छा, है, है। तो यू हैव टू बेयर विद इट और वही खूबसूरती को आपको एक्सेप्ट करना है आपका और ऑडियंस का नाता ऐसा होता है जैसे इश्क चल रहा हो रास चल रही हो लीला और आप मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई ऐसा वाला इश्क की आग लगी रहती है क्योंकि देखिए हु ये वाली तो एनर्जी रहती है ऑडियंस में नहीं। 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 लेकिन कुछ सुनकार होते हैं कुछ गहरे पारखी होते हैं जुड़ जाते हैं जो आपसे आप जुड़ जाते हैं और सीधा एक एकत्व में चले जाते हैं तो वो वाला

तो वो एक मेमोरेबल बन जाती है बात क्योंकि सामान्यतया लोगों के दिमाग में एक खांचा बना हुआ एक सांचा बना हुआ है कि आप फिल्मों से आते होंगे तो वहां से ही डांसर आते होंगे आपके साथ अच्छा और हमारे डांसर तो हमारी ऑडियंस में और हमें पता भी नहीं अच्छा बिना पेमेंट के नाचते हैं <laughs> खुशी की बात यह देखिए कि हम ऐसे बुलाते हैं आइए आइए और आए और बिना पेमेंट वो झूमते हैं आवाज पर और दबा के नाचते हैं तो वो जो नाचना होता है वो मोमेंट होता है सिर्फ हमारा नहीं कैलाशा का नहीं वो मोवमेंट सबका होता है हमारी तो वही तो वसूली, वसूली है मैं कहता हूं कि बिना पेमेंट के आपके लिए कोई नाच रहा हो नहीं। नहीं। कितनी यूनिक बात है बाद में पता चला वो सीईओ है कोई लड़की किसी कंपनी में कोई कुछ बड़ी तुर्रम है कोई ये है कोई वो कोई मॉडल है तो ये सब बड़े लोग आपके लिए नाच रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो आत्मसात कर देने वाली एक मोमेंट होती है वो वो परमात्मा रच अच्छा आपकी रिसेंट हिट गई बाहुबली गजब हाँ। उसके गाने हिट हुए मैं चाहूंगा उसका एक मुखड़ा मैं जय जयकार का जय जय कारा जय जय कारा, कारा, कारा स्वामी देना साथ हमारा जय जय कारा जय जय कारा स्वामी देना साथ हमारा बाहुबली के गाने में आपने एक संस्कृत का वो शिव तांडव भी शायद किया वो। उसकी लाइनें धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसफूर ध्रुगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुधरा पदी दिगंबरे मनो विनोद में दुअस्तुनी कौन है वो कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज छाया उसकी भुजाए बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया गजब सर गजब मतलब मुझे लगता है ये बाहुबली के गाने जिस तरह की मूवी थी लेकिन यंगस्टर ने उसको इतना ज़्यादा पसंद और... uh, you know, बुद्धिमत्ता है हुँ. जब भी आप कायदे के म्यूजिक बनाएंगे कायदे की कोई क्रिएटिविटी होगी कायदे की फिल्म बनेगी हुँ. तो सबसे ज्यादा चाहत जो मिलती है वो हमारे यंगस्टर्स से यूथ से ही मिलती है तो इसलिए ऐ मेरे यूथों बस इसी स्पिरिट में रहना गॉड ब्लेस अब एक बड़ा फन राउंड है हमारा और बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी। से दस की रेटिंग पे रेट करना है हाई पिच आपको लगता है किसकी आवाज कितनी ऊंची जा सकती है अरिजीत सिंह एक से दस के स्केल पर भी ठीक है ये भी अराउंड यही नंबर में रहेंगे कैलाश खेर यही बेस लाइन आपका है। सोनू निगम ये दोनों में मंदिर में भी और तार में भी दोनों में गाते हैं आपको जल्दी से फेवरेट फेवरेट चीजें बतानी है आपका फेवरेट फूड? जी साग। अदरवाइज जीरा आलू और भिंडी की सब्जियां सब्जियां फेवरेट म्यूजिक कम्पोजर ए फेवरेट सिंगर सभी जो अच्छा गाते हैं तो कैलाश जी मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमको आपसे स्वेग स्टार पर मिलके और चाहूंगा कि हमारे शो को रैप अप करने से पहले कोई भी एक अपनी फेवरेट चंद लाइन है है क्योंकि मुझे लगता है एक इंटरव्यू में आपके साथ पूरा सेशन खत्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मुझे लगता है हम फिर मिलेंगे स्वेग स्टार के शो पर लेकिन उससे चाहूंगा उससे पहले हमारे ऑडियंस को एक गाने के साथ जरूर कर स्वेग स्टार जो छूले प्यार से आराम से समप कर दू <laughs>